Hello dear students, my name is Manvendra Jeevan and this video belongs to class 5. बच्चो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि यह वीडियो और आने वाले वीडियोस आपके चैप्टर को बिलोंग कर रहा है. मैं आपके चैप्टर को देखकर पढ़ा रहा हूँ. आप यही समझिए कि आप मेरे सामने क्लासरूम में बैठे हुए हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ और ब्लैक बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूँ. इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसी हिसाब से आपके वर्कशीट या क्वेश्चन आंसर मैं आपके चैप्टर से आपको सॉल्व करके दूंगा. आपको याद करना है, स्कूल खुलते ही इमीडिएट 2 से 4 दिन के अंदर में एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अवॉइड मत कीजिएगा. आपके चैप्टर का नाम है कंप्यूटर अ क्विक रिव्यू. तो कंप्यूटर में पिछले क्लासेस में आपने जो भी सीखा है 3rd और 4th क्लासेस में, वह हम उसको रिव्यू करने जा रहे हैं. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम तरह तरह के कैलकुलेशंस, डिज़ाइन, बुक्स बनाना, इंटरनेट यूज करना, ये सब काम करते हैं. इन टॉपिक्स में पेंट ब्रश था, नोट पैड था, वर्ड पैड था. जो क्लास 4 में आप वर्ड पैड पढ़ रहे थे मुझसे, नोट पैड और वर्ड पैड के डिफरेंसेस आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ, रिव्यू करवा दे रहा हूँ. नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटर है, वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर है. दोनों में छोटी मोटी चिट्ठियाँ, छोटे मोटे टेक्स्ट मटेरियल्स लिखे जाते हैं. नोट पैड और वर्ड पैड में सबसे पहला डिफरेंस कि नोट पैड में रूलर नहीं होता, न हॉरिजॉन्टल न वर्टिकल, यानी कि न ऊपर से न लेफ्ट या राइट से कोई रूलर नहीं होता. जबकि वर्ड पैड में ऊपर वाला रूलर होता है, लेफ्ट वाला रूलर नहीं होता. तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया. सेकेंड डिफरेंस, नोट पैड में हम कोई भी इमेज या शेप पर काम नहीं कर सकते, किसी भी इमेज को नहीं बुला सकते, हम कोई भी ड्राइंग नहीं कर सकते, किसी भी शेप को इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड पैड में हम ये काम कर सकते हैं. इसीलिए वर्ड पैड इस मामले में नोट पैड से बढ़िया होता है. तीसरा डिफरेंस, नोट पैड में हम अगर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या किसी टेक्स्ट को का साइज बढ़ाते हैं तो वह केवल एक टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होता, पूरी फाइल पर हो जाता है. आपने बहुत ध्यान अगर देंगे तो आपको याद आ जाएगा, वह पूरे टेक्स्ट पर, पूरी फाइल पर अप्लाई हो जाता है. लेकिन वर्ड पैड में क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा है मानवेंद्र जीवन एक लाइन में और दूसरी लाइन में लिखा है जितेंद्र जीवन, मेरे फादर का नाम, एक पहली लाइन में मानवेंद्र जीवन और दूसरी लाइन में जितेंद्र जीवन. अगर मैं चाहता हूँ कि मानवेंद्र जीवन को रेड कर दूँ लेकिन जितेंद्र जीवन को न करूँ, तो वर्ड पैड में कर सकते हैं लेकिन नोट पैड में नहीं कर सकते. ये 3 डिफरेंस, बेसिक डिफरेंसेस होगा. इसी तरीके से एक और रिव्यू करवा दे रहा हूँ. याद होगा सीपीयू के फाइव पार्ट्स, मदरबोर्ड, सीपीयू चिप, रैम रोम, सीडी डीवीडी ड्राइव और एसएमपीएस. एसएमपीएस का फुल फॉर्म था स्विच मोड पावर सप्लाई. कंप्यूटर में जो भी पावर मैनेजमेंट होता है वो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है जो कंप्यूटर में, मैंने आपको सिखाया था कि जब बिजली सप्लाई की जाती है कंप्यूटर में तो उस समय वोल्टेज आता है 220. तो याद कीजिए, मैंने आपको ये सिखाया था, ये बताया था कि स्क्रीन को तो 220 वोल्टेज चाहिए लेकिन माउस को उतना नहीं चाहिए, कीबोर्ड को उतना नहीं चाहिए. अगर उतना वोल्टेज अगर माउस को गया या कीबोर्ड को गया तो ये दोनों जल जाएंगे. सीपीयू में भी प्रोसेसिंग करने के लिए इतने वोल्टेज नहीं चाहिए, सीपीयू चिप उड़ जाएगा. तो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग वोल्टेज चाहिए. तो अलग अलग पार्ट के अलग अलग वोल्टेज को एक तार से, जिस प्लग से आप स्विच लगाते हैं और अपने यूपीएस में दे करके सीपीयू पावर देते हैं, वो नहीं कर सकता. तो पावर देने के बाद सीपीयू के अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, उसमें बहुत सारे तार होते हैं. इन तारों के गुच्छों को, यानी कि बंचेस ऑफ वायर्स को हम लोग बस बोलते हैं, BUS. हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बस. चलने वाली बस नहीं, जिसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं, नाम वही है बस. बस से अलग अलग तरह के तारे निकलते हैं और कुछ तार माउस में जाती है, तो माउस में उतना ही वोल्टेज रहती है जितना उसकी ज़रूरत है, कीबोर्ड में उतनी जाती है जितना उसकी ज़रूरत है. मॉनिटर को 220 चाहिए तो मॉनिटर को 220 सप्लाई करती है, प्रिंटर को भी 220 चाहिए तो उसको भी उतना ही सप्लाई करती है. तो SMPS और कुछ नहीं, कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट्स को जितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है उतनी ही वोल्टेज देने की मशीन का नाम है SMPS. इसीलिए इसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई. तो CPU के 5 पार्ट्स, बेसिक पार्ट्स मैंने आपको बता दी.
कंप्यूटर के भी पांच बेसिक पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस। ठीक, नाउ पेन ब्रश। तो पेन ब्रश में हम ड्राइंग बनाते हैं, तरह तरह के शेप, मैंने बहुत सारे शेप बनाना आपको सिखाया था, इस पर बात भी हो रही थी कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, अब स्कूल खुलता है तो उसके बारे में आगे बात करता हूँ। ओके, तो डोंट वरी। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था जिसमें, अच्छा हाँ, एक और टॉपिक, कंप्यूटर में दो डिवीजन है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर आर दोज पार्ट्स विच कैन यू टच, यू कैन सी, वी कैन फील, दैट इज हार्डवेयर। यानी कि हार्डवेयर वो पार्ट्स हैं जिनको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, ये आपके हार्डवेयर हो। सॉफ्टवेयर क्या? सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, उससे आप वर्क करते हो, उसको आप छू नहीं सकते, आप देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो, उसको छू नहीं सकते, उसके द्वारा काम किया जाता है, राइट? तो ये हुआ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कई तरह का होते हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करे, जैसे कि आपका विंडोज 2007 जो भी आपका है, बहुत लोगों के घर में, जैसे मेरे पास जिस लैपटॉप में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास विंडो 2010 है, तो विंडो 2010 सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल द सॉफ्टवेयर एज वेल एज ऑल द हार्डवेयर। छोटे से अगर डिफिनेशन दूं तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर को और सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है? जैसे वर्डपैड क्या करेगा, नोटपैड क्या करेगा, एमएस वर्ड क्या करेगा, एमएस एक्सेल क्या करेगा, पेन ब्रश क्या करेगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से माउस कैसे काम करेगा, कीबोर्ड कैसे काम करेगा, सीपीयू कैसे काम करेगा, तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही के कारण आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या स्मार्टफोन में इंटरनेट चलता है, हॉटस्पॉट चलता है, वाईफाई चलती है, तो ये हुआ आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? विंडो 2007 विंडो 2010। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास तरह के काम को करते हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि मैं पेंट ब्रश में पूरी एक लेटर लिखूं, एप्लीकेशन लिखूं, नहीं पॉसिबल, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। किसी को लेफ्ट से करना है, किसी को राइट से करना है, हम नहीं कर पाएंगे उतना। पेंट ब्रश चूँकि बेसिकली ड्राइंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जब एप्लीकेशन किसी खास तरह के काम करे। अब जैसे अगर मैं वर्ड पैड में पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पेंसिल मिल जाए, मैं ड्राइंग करने लगूँ और तरह तरह के रंग भरूँ और सिर्फ ड्राइंग ही करूँ, तो वर्ड पैड को बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल, क्या कैलकुलेटर में हम ड्राइंग बना सकते हैं? आपके घरों में छोटा मोटा कैलकुलेटर होगा भी, फिजिकली कैलकुलेटर होगा, दुकान में या घर में किसी काम के लिए जरूर कैलकुलेटर होगा। क्या आप कैलकुलेटर में ड्राइंग बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर का काम जोड़ना, घटाव, गुना करना और कैलकुलेशन करना, उसका काम ड्राइंग बनाना है। हम चाहें कि कैलकुलेटर में लेटर बना दे तो लेटर बना सकते हैं? नहीं, नहीं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो? जो किसी खास तरह के काम हो, जैसे कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेशन करना, पेंट का काम है पेंट प्लस पेंटिंग करना, वर्ड का काम है लेटर टाइप करना, एक्सेल का काम है कैलकुलेशन करना, उसी तरीके इसी को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा रिव्यू देने की कोशिश की है। अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को मैं डिस्कस करूँगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, आई होगी तो मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और ध्यान से ये लगभग 4-5 वीडियो मैं दूंगा तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है? ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी। जय हिंद।